बच्चों, हम जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत परिक्षेपण या अपकिरण के माप के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि अपकिरण आता है या परिक्षेपण तो भी आपको वही करना है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको जो विस्तार को जो है परास भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपको कहा जाता है कि परास ज्ञात कीजिए तो भी आपको जो विस्तार है उसको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतर चतुर्थक विस्तार जो है पारस जो कैसे ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले चतुर्थक के अंतर्गत जो है आई पॉइंट आर बराबर क्यू थ्री माइनस क्यू वन, तो आई आर जो है अंतर चतुर्थक विस्तार है। आर जो अपन लोग रेंज याद कर रहे थे, आई मतलब ये इंटर क्वार्टर टाइम जो ये दिया हुआ है ये रेंज, ये ज्ञात करनी है। क्यू थ्री जो है तृतीयक चतुर्थक है और प्रथम क्यू वन प्रथम चतुर्थक है। अब इसके कुछ गुण भी हैं, जैसे अपकिरण ज्ञात करने के लिए एक सरल रीति है और प्रथम तृतीयक चतुर्थक आधारित होने के कारण चरम मूल्य को प्रभावित नहीं पड़ता है। और दोष भी है कुछ, क्योंकि ये जो है हम क्यू थ्री और क्यू वन को बताता है और जिसमें 50% मूल्यों को ही समावेश करता है, जिससे यह समग बनावट जो है स्पष्ट नहीं करता है। फिर यहाँ पर विचलन, क्योंकि विचलन भी हमें ज्ञात करनी है, तो विचलन का जो सूत्र है अपकिरण के एक माप है जो चतुर्थक प्रथम और चतुर्थक के अंतर के आधे को चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है, क्यू डी बराबर क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे दो। क्यू डी जो है चतुर्थक विचलन है और क्यू थ्री तृतीयक चतुर्थक और ये प्रथम चतुर्थक है। उसी तरह से हम गुणांक भी ज्ञात करते हैं। जो गुणांक है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, जो विचलन गुणांक है उसका सूत्र जो है ये है क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे क्यू थ्री माइनस, जैसे कि हम वो विस्तार में कैसे निकालते थे गुणांक, एल टू माइनस एल वन नीचे एल टू प्लस एल वन करते थे, वैसे ही ये भी है। अब इसमें जैसे दिया हुआ है ये वाला सूत्र क्यू थ्री माइनस बटे दो, ये तो दो से दो पूरा कट गया, हमारे पास बचा कितना, सिर्फ इतना शेष ही बचा, इसलिए गुणांक का सूत्र जो है यह उसमें आ जाएगा। फिर आगे हम गणित करेंगे। जो गणित दिया हुआ था वह गणित जो है यहाँ पर हम उस गणित को यहाँ पर हल कर रहे हैं। जिसको कैसे करेंगे वो, उसको हमने फिर ऐसे जमा लिया, फिर उसकी जो आवृत्ति थी उसे हमने इस तरह से लिख लिया, फिर इसको जो है संचयी आवृत्ति में हमने परिवर्तित किया। आठ आठ में हमने 16 जोड़ा तो 24, 24 में 22 जोड़ा तो 46, 46 में हमने 30 जोड़ा 76, इस तरह से ये पूरी संख्या जो आ गई, जो यहाँ टोटल थी वह पूरी यहाँ आ गई। सबसे पहले हमने जब Q1 याद करने के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, N बटे 4, तो N हमारा कितना है 118, इसके नीचे जाएगा 4, जब हम इससे भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 और इस तरह से 2 नाम और फिर ये ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वहाँ पद। तो ये संख्या जो है कहाँ पर आ रही है, 29.5 जो है इसके अंतर्गत आएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो है क्यू वन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू वन बराबर इसका भी सूत्र होगा, जैसे हमने माध्य में जो माध्यिका जो हम ज्ञात करते थे उसमें जो सूत्र लगता था पूरा वैसे ही सूत्र लगेगा, L2 फिर L1 बटे F यहाँ पर Q माइनस C, ये Q है तो इस तरह से ये लगा। फिर यहाँ पर जब हमने देखा L1 क्या है, जब इसमें हमने लिया तो इसका ये पूरा ये आ गया, तो L1 हमारे पास क्या है 20 प्लस यहाँ पर हो गया 30 ऋण 20 बटे, अब F क्या है, F हमारे पास जो है वह 22 है, ये वाला है यहाँ पर 22 है। फिर यहाँ पर Q जो दिया हुआ है वह ये जो दिया हुआ है ये 29.5, C क्या है संचयी आवृत्ति में जो आई हुई है वह हमारे पास इसके ऊपर का ये जो है ये C आ जाए, यहाँ पर हो गया हमारा क्या 24। तो इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 धन यहाँ पर 10 आया, 10 इसको जब घटाए तो 5.5 बटे 22, इस तरह से जब ये आया तो इसको हम जब करेंगे यहाँ पर हमको मिल जाएगा 22.50, ये हमको क्या मिल गया क्यू वन मिल गया। उसी तरह से हम क्यू थ्री जब निकालेंगे, क्यू थ्री निकालने के लिए तो यहाँ इसमें क्या करेंगे हम,
3 × 118/4। जब इसका हम गुणा करेंगे तो उसके बाद हमको यहाँ पर मिल जाएगा 88.5। अब ये वाले जब हम करेंगे सूत्र सेम यही आएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा क्यू 3 आ जाएगा, लेकिन सूत्र क्या हो जाएगा L1 + L2 - L1/F यहाँ पर क्यू माइनस सी। सूत्र जो है वह हमारा पूरा सेम वही आया, यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा ये 3 आ जाएगा, 3 जो ये हमारे पास दिया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सूत्र में लिखेंगे। अब इसमें जो है 88.5 कहाँ पर आया, 88.5 क्या है, ये जो है ये हमारा किसका था क्यू 1 का था, और ये जो आएगा हमारा किसका आएगा क्यू 3 का आएगा। तो इसमें हम जब से पहले देखेंगे तो ये जो संख्या है ये वाली आ गई, ये पूरी ये किसकी आ गई, ये क्यू 3 की आ गई। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो L1 है, L1 क्या है 40, फिर यहाँ पर है 50 × 40, नीचे हमारे पास F क्या मिल जाएगी हमको 24 जो है वह हमारी क्या है F है। इस तरह से हमने Q3 हमारा क्या है 88.5, C कौन सा आ जाएगा ये वाला आ जाएगा C, तो यहाँ पर हो जाएगा -76। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा 40 × 10 क्योंकि यहाँ जब हम घटाएंगे तो हमको 12.5 ये मिल जाएगा, फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा 24। इस तरह से जब हम इसको हल करते जाएंगे तो ये हमारी संख्याएं जो है क्या है हल होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर हमको Q3 कितना मिल जाएगा 45, जब हम काटेंगे ये पूरा जब कटिंग हो जाएगा तो उसके बाद हमको मिल जाएगा 45.25। अब यहाँ पर हम जो विस्तार ज्ञात करनी है तो विस्तार के लिए क्या है, विस्तार के लिए जो है Q3 - Q1, तो इसमें हमारा Q3 क्या है 45.25 - Q1 का कितना है ये 22.50। इस तरह से हमको मिल जाएगा 22.71, ये जो है ये हमें विस्तार प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर विचलन, विचलन के लिए भी सूत्र है जिसमें क्या है Q3 - Q1/2। तो इस तरह से हमारे पास Q3 कितना है 45.25 - 22.50 इसके लिए जाएगा 2। जब इसको घटा के और जब काटेंगे तो हमको संख्या जो मिल जाएगी वह 11.35। इस तरह से ये क्या है ये गणित को पूरा हल करना है। यहाँ पर ये सूत्र है n/4 जो हमने पहले आप लोगों को पिछली कक्षा में भी हमने बताया था कि चतुर्थक जो है कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग इसको बार बार देखेंगे और रिपीट करेंगे उसको करेंगे तो ये सारी गणित जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो हमारे पास जो अखंडित श्रेणी है उसमें हम कैसे चतुर्थक विचलन और चतुर्थक गुणांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हमने क्या किया इसको जो है बढ़ते क्रम में इसको हमने बना लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो सूत्र है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे तो उसको हमने उस श्रेणी में जमा लिया। उसके बाद यहाँ पर क्यू वन जब हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमने सूत्र क्या लिखा था n+1। हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में हमने आपको बताया था कि उसमें हमको क्या करना है तो इस तरह से ये वहाँ पर तो हमारे पास n क्या है 9 है और ये धन 1/4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा 10/4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2.5 वहाँ पर। तो इसमें अब 2.5 आया तो 2.5 आया है तो हम इसके कैसे करेंगे तो इसमें द्वितीय और तृतीय जो होंगे द्वितीय पद और प्लस तृतीय 7, 8, 9 ये दिया हुआ है
तो हमारा दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। तीसरे से हम क्या करेंगे, दूसरा पद क्या हुआ हमारा 47 हुआ और तीसरा पद जो हुआ 52 हुआ, इसके बटे 2 हो गया। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ के और जब भाग देंगे तो उसमें हमको मिल जाएगा 49.5, क्योंकि ये दोनों को हम जोड़ेंगे उसके बाद फिर 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। फिर उसी तरह से Q3 जब ज्ञात करेंगे तो उसमें हमने क्या किया था, 3n+1/4, तो यहाँ पर भी जब हम सूत्र लिखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा फिर 9+1/4, तो यहाँ पर 3×10/4, फिर यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 30/4, जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर भी 7.5 आया, तो 7.5वां पद। तो यहाँ पर 7.5वां पद जब आया है तो सातवां कौन सा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 7 और ये 8, यहाँ पर क्या होगा, सातवां पद प्लस 8वां पद बटे 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सातवां पद जो है हमारे पास क्या है 75 और आठवां पद जो है 83, इसके बटे हम कर देंगे 2। जब इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79। तो मतलब इसको हमने टोटल किया, इससे हमने फिर 2 का भाग दिया तो हमको क्या मिल गया, ये 79। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम जो है क्या है, विचलन निकालना है, विचलन, विचलन का जो सूत्र है हमारे पास क्या है, Q3 - Q1/2, इसमें हमारा जो है 79, फिर माइनस जो होगा ये हमारा Q1 है और ये जो है क्या है Q3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो हम हमको मालूम है उसको हम घटा देंगे। तो सबसे पहले हमने ये किया, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है 49.5 बटे ये हो गया 2। जब इसको हमने घटाया तो यहाँ पर आ गया 29.5/2 और उसको जब हमने भाग दिया हमारे पास आ गया 14.75। ये हमारा क्या निकल आया, विचलन निकल आया। फिर हम नीचे देखेंगे गुणांक, ये गुणांक जो है हमने पिछले उसमें किया था उसमें भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया था, Q3 - Q1/Q3+Q1, जिस तरह से हमने उसमें विस्तार निकाला था, गुणांक किया था पहले, विस्तार कर रहे थे तब, बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 79 - 49.5/79, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 29.5/1, 2, 8.5। जब इससे हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.229। हमने देखा था कि जब हम गुणांक ज्ञात करते हैं या तो 1 आता है या फिर उससे कम आता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमने जो विस्तार में देखा था, ये सारी चीजें हमने एक बार आपको उसमें भी बता चुके हैं। सिर्फ इसमें क्यों लिखना है, क्यों में जो हम 2 लिखते थे 2 की जगह 4 लिखना है। इस तरह से इसको भी आप बार बार देखेंगे और जब करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर आप लोग को गृह कार्य दिया हुआ है, ये आप लोगों को करना है और कोशिश ये करनी है कि विस्तार भी ज्ञात करें साथ साथ उसमें गुणांक भी ज्ञात करें। तो जिससे होगा कि आप क्या करेंगे, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को कॉपी में हल कर लें।